हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पॉकेट पफ की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत ही क्रिस्पी भी लगता है। तो जब भी आपका कुछ अलग खाने का मन करे, आप ये टेस्टी पॉकेट पफ जरूर ट्राई करना। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो पॉकेट पफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बाउल में लेना है 1 कप मैदा, और इसमें थोड़ा सा हमें ऐड कर देना है अजवाइन, थोड़ा सा मगरैल जिसको हम कलौजी भी बोलते हैं, और थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। बस अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद इसे खस्ता बनाने के लिए हम इसमें मोयन देंगे घी से। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच घी लिया है। इससे ना बहुत ही टेस्टी खस्ता बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पे घी यूज कर रही हूँ। आप घी की जगह रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से हमें मोयन दे देना है, मिक्स कर लेना है। तो बस फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैंने अच्छे से मोयन दे दिया है। अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और एकदम सॉफ्ट हमें इसको गूंथ लेना है। डो को ज़्यादा सख्त नहीं रखना है। और फ्रेंड्स, ये पॉकेट पफ ना समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आपका समोसा खाने का मन नहीं कर रहा है, तो आप ये टेस्टी पॉकेट पफ जरूर ट्राई करना। तो बस फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है, अब इसे हम सेट होने देते हैं। तब तक चलिए हम आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। इसको हम ढक देते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट तक। अब इसके बाद मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें मैंने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर देना है और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देना है। अगर आप और तीखा खाना पसंद करते तो आप हरी मिर्च और भी ऐड कर सकते हैं। और 1 मैंने यहाँ पे 1 बारीक कटी हुई प्याज ले ली है। बस इसको हमें अच्छे से भून लेना है। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना पॉकेट पफ का मसाला ना सिंपल ही रखूँगी। तो बस इसे अच्छे से भूनना है, ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है। जब हल्का हल्का सा भुन जाएगा, इसमें हम सिंपल से मसाले ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देना है लाल मिर्च तीखे के लिए, और 1 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे समोसे का मसाला लिया है। तो फिर मार्केट में ना आप कोई भी ब्रांड का समोसे का मसाला यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है अगर आप इस स्टफिंग में डाल देते हो तो। अब मैंने यहाँ पे 3 आलू ले लिए हैं जिसको मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, ये जो मैं आलू की स्टफिंग बना रही हूँ ना, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही सिंपल भी रहती है और बहुत ही जल्दी बन भी जाती है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद ना, अब इसमें हमें ऐड कर देना है नमक। तो नमक हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने मैदे के डो में ना नमक डाला था, तो हल्का ही नमक ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हमें इसमें डाल देनी है ढेर सारी हरी धनिया की पत्ती और इसे मिक्स कर लेना है। तो बस फ्रेंड्स, हमारा सिंपल टेस्टी आलू की स्टफिंग रेडी है। अब चलिए पॉकेट पफ समोसा बनाना शुरू करते हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं, ये देखिए। अब हमें थोड़ा सा ना घोल तैयार करना है, एकदम पतला सा घोल तैयार करना है मैदे का। तो 1 चम्मच मैदा ले लेना है और इसमें पानी ऐड कर देना है, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे जो हम ना पॉकेट पफ में डिजाइन बनाएंगे ना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा घोल बना रही हूँ, एकदम पतला घोल। तो बस हमारा घोल रेडी हो चुका है। तब तक फ्रेंड्स, हमारा मैदा भी अच्छे से सेट हो गया है। अब चलिए पॉकेट पफ बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, पहले से और भी ज्यादा ये सॉफ्ट हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, हमें एक छोटी सी लोई लेनी है और इसे हमें एकदम राउंड राउंड जैसे पूड़ी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से बेल लेना है। और इसे थोड़ा सा हमें पतला ही बेलना है। मैंने थोड़ा सा ना सूखा मैदा ऐड किया है, जिससे ना बेलने में आसानी होगी। बहुत इजी तरीके से ये जल्दी इसको हम बेल लेंगे। तो बस ये देखिए, मैंने इसे एकदम गोला सा राउंड राउंड यहाँ पे बेल लिया है। हमने जो यहाँ पे बनाया था ना मैदे का घोल, हमें दोनों साइड पे ना इस तरीके से लगा देने हैं। अब लगाने के बाद ना इसको हमें फोल्ड करना है। तो फिर जो पॉकेट पफ की डिजाइन बनाना बहुत आसान है, बस आपको इस तरीके से ना घोल लगाने के बाद इस तरीके से फोल्ड कर देना है। बस फोल्ड करने के बाद ना इसको हमें पलट लेना है, और पलटने के बाद चारों साइड से ना हमें अच्छे से इसमें भी घोल लगा देना है। एकदम हल्का हल्का घोल लगाना है, ज़्यादा घोल नहीं लगाना है। ये डिजाइन देखने में भी सुंदर लगती है और फ्रेंड्स ना इसे पॉकेट पफ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो बस मैंने लगा दिया। अब इसके ऊपर हमें रखनी है आलू की स्टफिंग। तो आलू की स्टफिंग ज़्यादा नहीं रखनी है, बस 1/2 चम्मच हमें रखनी है। बस इस तरीके से थोड़ा सा फैला लेना है। बस इसके बाद इसको हमें फोल्ड कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, ये डिजाइन बनाना बहुत आसान है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से ना पॉकेट पफ की डिजाइन बना सकते हो। और फ्रेंड्स, ये ना बिल्कुल पैटीज की तरह लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा।
आपको ना दूसरा भी इसी तरीके से बना कर दिखा रही हूँ। तो मैंने आप एक और ले लिया, इसको मैंने गोला गोला बेल लिया। इसके बाद इसमें भी हम इस तरीके से मैदे का घोल लगा लेंगे दोनों साइड से। हमें बीच में नहीं लगाना, बस किनारे साइड से दोनों तरफ लगा देना। इसको भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले मैं इसी तरीके से ना सबसे पहले सारे पॉकेट पफ बना लूंगी, इसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो अब इसमें भी हम किनारे साइड पे चारों तरफ लगा देते हैं। फिर लगाने के बाद इस पर हम आलू की स्टफिंग रखेंगे और इसे भी फोल्ड कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपके घर में मेहमान आ जाते हैं ना, तो आप ये टेस्टी रेसिपी ट्राई कर सकते हो, सबको बहुत पसंद आएगा। ये समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, आप ट्राई करके देख लेना। तो बस फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे सारे पॉकेट पफ रेडी हो चुके हैं। अब चलिए इसको फ्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है और ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब एक बार में जितना भी कढ़ाई में आए ना, उतना आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे 6 पीस इसमें सबसे पहले ऐड करूँगी और फ्लेम को ना मीडियम ही रखना, ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा गर्म कर दोगे ना तो तुरंत ये पक जाएगा, जल्दी से रेड हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। इसीलिए ना आपको इसको मीडियम फ्लेम पर ही अच्छे से पकाना है। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑयल को ना ज़्यादा गर्म नहीं किया, मैंने एकदम हल्का ऑयल को गर्म किया है। तो बस अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकने देते हैं, दोनों तरफ से अच्छे से इसको हम क्रिस्पी होने देते हैं, जब तक इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो अब चलिए एक साइड से ये हल्का हल्का सा पक गया, अब इसको हमें पलट लेना है और दोनों साइड से अच्छे से हल्का गोल्डन कलर आने तक हमको इसको फ्राई कर लेना है। जब ये हल्का पक जाए ना, तो आपको इसको पलट लेना है दूसरे साइड से। बस फ्रेंड्स, ये देखिए एकदम परफेक्ट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसको हमें निकाल लेना है। अब इसे हमें और भी ज़्यादा क्रिस्पी नहीं करना है, एकदम परफेक्ट दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं और बाकी के बचे भी हम फ्राई कर लेते हैं। आपको इस तरीके से एक छन्नी ले लेनी है, इससे ना सारा ऑयल नीचे गिर जाएगा। तो आपको सबसे पहले सारा इस पर ऐड कर देना है, फिर इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। तो चलिए आप गर्मा गर्म पॉकेट पफ हम सर्व करते हैं। तो आप चाहो तो हरी चटनी के साथ खा सकते हो या टमाटो सॉस के साथ। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ टमाटो सॉस के साथ। तो फ्रेंड्स, गर्मा गर्म पॉकेट पफ समोसा हमारा रेडी है, जो बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बना है। तो अगर आपका कुछ टेस्टी खाने का मन करे तो आप ये पॉकेट पफ समोसा ट्राई करना, आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये टेस्टी पॉकेट पफ समोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप इसे ट्राई करना और मुझे कमेंट में बताना कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके साथ जितनी भी रेसिपी शेयर करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।